आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर माय स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम इट्स विजिबल मैम। स्टार्ट नाउ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। The topic of the main important topic which we keep on discussing every now and then ki fabric chahiye, fabric aisa hoga to ye hoga. Suffusing mein humne discuss kiya ki substrate woven, knitted and non-woven ho sakta hai. Good afternoon. So topic is need to be discussed. This is the need of our no क्या क्या फैब्रिक फॉर्मेशन के प्रोसेसेस हैं और कैसे वो फैब्रिक स्टार्टिंग विद द वेरी थ्री मेन प्रोसेसेस ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन दे आर वीविंग निटिंग एंड नॉन वोवन्स। वीविंग और निटिंग में हम यार्न्स यूज करते हैं। आपको पता है कहीं भी हम पहले हमारा बेसिक यूनिट आता है फाइबर, फाइबर के बाद वी मेक अ यार्न और यार्न से हमारा फैब्रिक बनता है। बट इट इज नॉट द केस लाइक नॉन वूवन्स में हम डायरेक्टली फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं। आई एम टेलिंग यू इन द लेटर स्लाइड्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज वीविंग। वीविंग से जो हमें फैब्रिक कंस्ट्रक्टिंग फैब्रिक जितनी हम अपने डेली वेयर पहनते हैं and winters may we go for knit, even summers may the t-shirts are knit. Relying on the two types of fabric for our purpose, for our aesthetic appeal, that is woven and knitted. But jab hame uska use chahiye other way mein, protection mein, jaise hum mask la rahe hain, to wahan hum we go for woven fabrics. Ab main woven fabric ki agar baat karu, woven are made from two sets of yarn, tana or bana, at right angle to each other during the weaving process. जो yarns हैं वो एक दूसरे को right angle पे interlace करते हैं weaving process के दौरान। ये देखिएगा weaving कैसे करी जाती है। This is how लिया जाता है और ये मैम ये स्क्रीन आपका ये रीड है जो वेफ्ट को शो नहीं हो रही मैम। आपका प्रेजेंटेशन शो हो रहा है, वूवन फैब्रिक्स का प्रेजेंटेशन शो हो रहा है। अभी आ रहा है वीडियो। शेयर अगेन। अब ठीक है। ये जो कलर यार्न्स जी मैम विजिबल है, विजिबल है जी मैम। जी मैम कैरी ऑन। ओके सो दीज पैरेलल यार्न्स आर कॉल्ड वाबियन्स बोलते हैं। और ये देखिए हील शाफ्ट है जो आपको दो लेयर्स में बांटनी है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेडिंग। दिस होल प्रोसेस जो आप उसके बाद यहाँ बैकिंग हो रही है,
जैसे शटल में अगर मैं बात करूँ वहाँ पे शटल यूज की जाती है, अगर शटल लूम्स की बात करूँ तो प्रोजेक्टाइल और ये रीड है जो डेप्थ इंसर्ट होने के आगे मैम वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। ओके विद माय सिग्नल इज नाउ इट्स ओके। अभी ठीक है मैम। ओके द सैलवेज इज पैरेलल टू जो आप देखेंगे जब भी आप वोवन कपड़ा खरीदते हैं उसके साइड में एक सैलवेज होता है आ गया मैम। दोबारा से प्रॉब्लम आ रही है साउंड की। मैम आपके उधर नेटवर्क का कुछ इशू है मैम? Internet also. Now it's okay? Yes, ma'am. This was okay. Oh. Then Vapian tend to have jo Vap ऑन ग्रेन काटना चाहिए, ऑफ ग्रेन कभी नहीं काटना चाहिए। तो ग्रेन है जो मैं पोजीशन ऑफ वाप यान रिलेटिव टू वेफ्ट यान जब हम का पता लगाते हैं एज कंपैरिजन टू अगर मैम ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ वॉइस इज कमिंग एंड समझ नहीं आ रहा है कुछ। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैम अगर आप दोबारा से अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए या दोबारा से एक बार री एंटर कर लीजिए।
ओके श्योर। Again, ma'am, you can share your screen. Okay, sir. Now it's open. Sir, now my voice is audible. Yes ma'am, अभी तो audible है, we'll check ma'am in between. You can carry on ma'am. So I will start from the here only. हम बात कर रहे थे woven fabric की. Woven fabric मैंने आपको बताया looms पे बनाया जाता है. उसमें हम वाप यहाँ की एक वाप beam बना लेते हैं और उसको लूम पे अटैच कर देते हैं जिसमें डिफरेंट वेफ्ट इंसर्शन मैकेनिज्म्स होते हैं. तो उन वेफ्ट इंसर्शन मैकेनिज्म्स की हेल्प से हम उसमें बाना डालते हैं एंड और वो एक फैब्रिक के फॉर्मेशन में आ विधि करेक्टरिस्टिक्स की कैसे पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में वाप है किस डायरेक्शन में वेफ्ट है. यूजुअली ये होता है वोवन फैब्रिक के केस में वाप की जो एक्सटेंशन है जो एलोंगेशन है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वेफ देखा होगा जब हम कोई पुराना स्वेटर उधेड़ते हैं तो हमारा है उसमें ऐसे कर्ली से वेव्स बन जाते हैं उसको हम क्रिम बोलते हैं. तो वेफ्ट की साइड में और सेकेंडली फिर मैंने बात करी आपसे कि हमेशा जब भी आप फैब्रिक परचेज करने जाते हैं उसके साइड में जो होता है यहाँ पे वो होता है क्लोजली डेंस वोवन सबसे जाता है और वो हमेशा वाप यूजुअली है कि अगर वाप के अगेंस्ट पैरेलल लाई करेगा दैट इज क्रेम. नो ग्रेन इज पोजिशन ऑफ वाप यान इन रिलेशन टू वेफ्ट यान. वाप यान आपका कैसे लाई कर रहा है बट ग्रेन इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स ऑन ग्रेन एंड ऑफ ग्रेन. ऑन ग्रेन वो होता है जब आपका जो फैब्रिक है वो अपने फैब्रिक को फॉर सुइंग फॉर मेकिंग गार्मेंट्स हम ऑन ग्रेन ही काटते हैं. ऑफ ग्रेन है जब आपका जो फैब्रिक है वो वेफ्ट यान के पैरेलल लाई करता है उसको हम बोलेंगे ऑफ ग्रेन. पर ऑफ ग्रेन यूजली हम यूज नहीं करते क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जो आपका बना हुआ गार्मेंट है वो प्रॉपरली हैंग नहीं करता उसके ड्रेप में प्रॉब्लम आ जाती है. नेक्स्ट आई वुड बी डिस्कसिंग ये देखिए ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो आपका वोवन फैब्रिक है वो ये आपके वाप यांस है ये आपके वेफ्ट यांस है. अगर मैं इसका साइड व्यू लू तो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द वोवन फैब्रिक. द स्ट्रक्चर ऑफ वोवन फैब्रिक इज द पैटर्न ऑफ इंटरलेसिंग बिटवीन वाप एंड वेफ्ट. ऑब्वियसली
रहा है वो पैटर्न उस पे डिपेंड करेगा, वो बताता है कि आपके फैब्रिक की कौन सी वीव है। नेक्स्ट, अब मैं फैब्रिक काउंट की बात करूं, हम कई बार बोलते हैं फैब्रिक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कि कितने वार्प और कितने वेफ्ट यार्न है, वो होता है आपके फैब्रिक का काउंट। हम बोलते हैं ना ये फैब्रिक अच्छा है, सुपीरियर क्वालिटी का है, जितने ज्यादा फिलिंग यार्न होंगे उतना अच्छा, फिलिंग और वार्प यार्न होंगे उतना अच्छा बेटर क्वालिटी होगा। इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी इज हायर काउंट बेटर इज द क्वालिटी। नेक्स्ट मैं बैलेंस, हम बात करते हैं ये वीव बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। जब हमारा रेशियो वाप और फिलिंग यार्न, ये देखिए ये वाप यार्न कलर के एंड ब्लैक वन इज दी फिलिंग यार्न, जब इनका रेशियो इक्वल होता है देन द वीव इज कॉल्ड बैलेंस्ड, और हमेशा उसको डिनोट किया जाता है 1:1। ठीक है, समटाइम इट इज आस्क्ड व्हाट इज बैलेंस्ड फैब्रिक, सो यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट इन द माइंड दैट इज रेशियो वाप यार्न टू द दैट ऑफ फिलिंग यार्न इज कॉल्ड बैलेंस्ड। वो वीव को अगर इक्वल देन द फैब्रिक बीन बैलेंस। नेक्स्ट है सेल्वेज, जो एंड पे होता है उसको हम सेल्वेज बोलते हैं, वो हमेशा आपकी लेंथ वाइज डायरेक्शन में ही पाया जाएगा पैरेलल टू वाप यार्न, और डिफरेंट सेल्वेज होते हैं लीनो सेल्वेज लूम के अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर, वो सेल्वेज उसको पता होता है कि ये फैब्रिक हमारा किस एंड यूज रिक्वायरमेंट में जाना है, उस अकॉर्डिंग वो सेल्वेज देता है। नाउ कमिंग टू फैब्रिक की विड्थ कितनी होती है, नॉर्मली जो फैब्रिक अवेलेबल होते हैं उनकी विड्थ कितनी होती है, जो फैब्रिक की विड्थ है मैंने आपको वीडियो दिखाई वो हमेशा लूम पे डिपेंड करती है, जितनी आपकी लूम की विड्थ होगा। अगर हैंड वोवन है तो उसकी विड्थ बहुत कम होती है 27 to 36 inches, कमर्शियल में हमें 60 inches तक फैब्रिक मिल जाता है, और कंज्यूमर जो लेते हैं कंज्यूमर मार्केट हमें जो मिलता है वो 45 to 60. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज फैब्रिक वेट। फैब्रिक वेट है इट डिस्क्राइब्स हाउ मच अ गिवन एरिया और लेंथ ऑफ फैब्रिक वेट। अगर आप छोटा सा फैब्रिक का 1x1 का फैब्रिक काट लेते हैं और उसका वे करते हैं तो वो कितना वे दे रहा है। यूजुअली फैब्रिक के वेट को मेजर करने के लिए और फैब्रिक के वेट को ग्राम पर स्क्वायर मीटर में लिखा जाता है, तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है कहाँ पे आपने हैवी फैब्रिक यूज करना है। जैसे हम बोलते हैं ड्रेपिंग के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ लाइट फैब्रिक, अगर हमें मसलिन का तभी पता चला कि लाइट वेट है क्योंकि हमने उसकी फैब्रिक की प्रॉपर्टीज मेजर करी है, फैब्रिक का वेट मेजर करा है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर यूज एंड नेम। अब फैब्रिक वेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेट। लाइट वेट, अगर लाइट वेट में मैं बात करूं लेस देन 4 oz पर स्क्वायर यार्ड, मीडियम वेट 4 to 6 oz पर स्क्वायर यार्ड, हैवी वेट में आपके मोर देन 6 oz पर स्क्वायर यार्ड। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैब्रिक, दीज आर द वाप यार्न एंड दीज आर द वेफ्ट यार्न, और जहां पे आपका वाप और वेफ्ट इंटरलेस कर रहा है क्रॉस कर रहा है उसको हम बोलेंगे आपके इंटरलेसमेंट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट कमिंग टू ये देखिए, नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज सेल्वेज। ये देखिए ये पूरा मेरा फैब्रिक है, यहाँ पे आपका जो वेफ्ट यार्न है वो कर्ल हो रहा है राउंड हो रहा है, सो ये जो लास्ट एंड वाला पोर्शन है ये हमारा सेल्वेज। वेफ्ट यार्न रैप्स अराउंड द वाप यार्न, जो वेफ्ट यार्न है वो रैप हो जाता है वाप यार्न की तरफ टू मेक अ नीट एज। अब सेल्वेज की क्यों जरूरत है, ताकि जो वेफ्ट यार्न है जो यार्न्स है वो फ्रे आउट ना हो, उनसे निकलने ना लग जाए, इसलिए हर एक फैब्रिक में सेल्वेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इफ वी प्लेस अ रूलर और अ टेप देन इट इज बायस। नाउ दीज आर द फ्यू फैब्रिक टर्म्स, आई होप बाय दिस टाइम यू हैव लर्न। अगर मैं बात करूं दिस इज दी लेंथ वाइज ग्रेन, अगर हम उसको 45 degree में किसी फैब्रिक को काटते हैं तो उसको बायस बोलते हैं। दिस इज दी टर्मिनोलॉजी, ये देखिए मेरा है आई विल यूज दिस टर्म। तो अगर क्रॉस वाइज ग्रेन है तो ये दिस इज दी क्रॉस वाइज ग्रेन, और ये जो डार्क थिक ब्लैक कलर की लाइन से डिनोट किया गया है दैट इज योर सेल्वेज। अब
कैसे याद रखना है, इनको याद रखने का भी एक तरीका है. हाउ टू रिमेम्बर बायस. बायस मतलब ये देखिए IAS डायगनल में भी आपका IAS आता है, मतलब जो 45 डिग्री के एंगल पे होगा वो बायस होगा. सेल्विज क्या होता है, यहाँ सेल्विज इटसेल्फ सेज जो एज पे लगा होता है. ये देखिए सेल्विज के लास्ट में ही एज टर्मिनोलॉजी है, जो फैब्रिक के एज पे होगा उसको हम सेल्विज बोलेंगे. ठीक है, अब वेफ्ट क्या है, जो लेफ्ट में होगा. आपके लेफ्ट में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, LEFT EFT है, वेफ्ट में भी वही है. सो वेफ्ट वो है रन्स राइट टू लेफ्ट, जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा उसको हम वेफ्ट बोलेंगे. वाप वो है विल टेक द ए रन अलोंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक, जो फैब्रिक की लेंथ के अलोंग रन करेगा उसको हम वाप बोलेंगे. नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, अब मैं यहाँ पे 3 बेसिक वीव्स हैं वो डिस्कस करूंगी आज फैब्रिक की, वोवन फैब्रिक की. देयर आर न्यूमरस वीव्स बट आई वुड बी डिस्कसिंग द 3 मेन जो हमारे यूज में आती है. फर्स्ट इज प्लेन वीव. प्लेन वीव में आप देखिएगा दिस इज द प्लेन वीव स्ट्रक्चर, यू कैन सी इन ग्रीन एंड येलो. ये है वन अप वन डाउन, मतलब एक बार वाप नीचे गया, एक बार वेफ्ट ऊपर आया, देन वाप ऊपर आया, देन वेफ्ट ऊपर आया. सो इसको हम बोलते हैं वन डाउन. ओके, तो दिस इज द प्लेन वेव. इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ, आइडेंटिटी फॉर प्रिंटिंग. हम प्रिंटिंग में भी बात कर रहे थे ना कि फैब्रिक आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. तो मोस्टली प्लेन वेव का फैब्रिक ही प्लेन वेव होल्ड देयर शेप वेल, और उनमें शेप रिटेंशन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है. दे ऑल्सो ड्रेप वेल, वो ड्रेप भी बहुत अच्छे से होते हैं. जो प्लेन वीव के फैब्रिक जो कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में, उनको हम इन नाम से जानते हैं, कैलिको, टाफ्टा, मसलिन, शर्टिंग फैब्रिक. ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं प्लेन वीव की बात करूं, दिस इज सिंपलेस्ट ऑफ 3 वीव्स. अगर प्लेन, ट्विल एंड साटिन, ये सबसे सिंपल वीव है, क्योंकि एक बार ताना ऊपर जाएगा, एक बार ताना नीचे जाएगा, वन अप वन डाउन इसको हम बोलते हैं. Formed by yarns at right angle. इसमें जो सभी yarns होते हैं वो right angle पे होते हैं. Least expensive weave. इसको produce करना सबसे कम खर्चे वाला होता है. और no technical face or back side unless printed. क्योंकि इसकी दोनों साइड सेम ही दिखती हैं, तो कोई technical नहीं है जब तक इसमें कोई प्रिंट ना किया हो. आपको पता है प्रिंटिंग हमेशा एक साइड पे ही ज्यादा क्लियरली विजिबल होती है, तो तब हम उसको एक फेस साइड बोलेंगे. अदरवाइज अगर जब हम ग्रे फैब्रिक इसका देखेंगे जो सीधे लूम से निकल के आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. अब जर्नल करेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं, टेंड टू रिंकल इजीली. इसमें जो आपके बल पड़ जाते हैं धोने पे, लेस ऑब्जॉर्बेंट है, पानी कम सोखता है, रेवलिंग लेस ऑफ अ प्रॉब्लम. इसमें अनरेवलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती. यान टाइप ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस दी, कैसा यान आप यूज कर रहे हैं इस वीव को बनाने के लिए, वो इन्फ्लुएंस करता है कि फैब्रिक के करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. अब बैलेंस और अनबैलेंस की मैंने बात करी थी. आई वुड शो यू बैलेंस प्लेन वीव. बैलेंस प्लेन वीव में क्या है, वाप एंड फिलिंग यार्न्स आर ऑफ सेम साइज एंड एट सेम डिस्टेंस. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एंड यूजेस होते हैं इस फैब्रिक के, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. एंड कैन बी मेड इन एनी वेट, किसी भी वेट में इसको बनाया जाता है. बैलेंस्ड वीव्स में कौन कौन से वीव्स आते हैं प्लीज नोट इट डाउन. अगर मैं लाइट वेट की बात करूं तो उसमें आपका आता है जॉर्जेट, शिफोन, वॉयल, ऑर्गेंजी, ऑर्गेंजा. ओके, अगेन आई वुड रिपीट आउट, ऑर्गेंजी, जॉर्जेट, शिफोन, वॉयल, ऑर्गेंजी एंड ऑर्गेंजा. एंड लाइट वेट ओपेक की मैं बात करूँ, ओपेक हो गया जिसके आसपास नहीं दिखाई देता, दैट इज लॉन, बेस्टे, चाइना सिल्क, एंड चेलिस. अब हैवी वेट, मीडियम वेट में है आपके कैलिको, चिन्स, ग्लेज्ड कॉटन, मसलिन, गिमगम, दीज कैम्ब्रे, मद्रास. तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ मीडियम वेट बैलेंस प्लेन वीव्स. एंड हैवी वेट के लिए वीवर्स क्लोथ, होमस्पन, बचर्स क्लोथ, फ्लैनल, ट्वीट, ये आगे आके हैवी वेट में. अब अनबैलेंस्ड की मैं बात करूं, इसमें एक साइड पे आपको ज्यादा यार्न्स देखने को मिलेंगे एज
layer the other side, और इसमें ridges create हो जाती हैं depending upon the number of size of yarns. अब light weight में है crepe beach, इन्हें जो crepe है वो आपका unbalanced plain weave में आएगा, ठीक है. medium weave में आपका broad growth, taffeta, shantoon. then heavy weight में आपका आ जाता है poplin, pale, banglian. अनबैलेंस्ड प्लेन वीव में आ जाते हैं. अब बास्केट वीव एक ऐसी वीव है जो आपकी बैलेंस्ड प्लेन वीव में काउंट होती है, ठीक है. इसमें एडजेसेंट वाफ एंड टू और मोर फिलिंग्स, जितने वाफ होंगे उतनी वेफ्ट होंगे. ये देखिए दो वाफ है तो दो वेफ्ट है यहाँ पे, ठीक है. मोस्ट कॉमन इसमें आते हैं जो फैब्रिक्स काउंट होते हैं बास्केट वीव में, वो है जिम्टी, ऑक्सफर्ड क्लोथ, सेल क्लोथ, ठीक है, डक्स, कैनवस, आपकी हॉप सेकिंग एंड मॉन्क्स क्लोथ. ये आपके बास्केट वीव में आते हैं. सो ये यू कैन सी द फिगर, दिस इज द प्लेन वीव, वन अप वन डाउन. एक बारी ये वेफ्ट यान नीचे गया, एक बारी ऊपर आया. सो दिस इज द वेफ्ट यान. अगर हम इसकी पिक ग्लास से पिक्चर देखें तो ये हमें ऐसा दिखता है. पिक ग्लास इज अ इंस्ट्रूमेंट जिस जो हमें वाप या वेफ्ट यान को देखने के फैब्रिक में काउंट करने के एक माइक्रोस्कोपिक छोटा सा टूल होता है जो फैब्रिक की वीव आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. दिस इज बास्केट वीव, इसमें दो वाप यान्स हैं और दो वेफ्ट यान्स हैं, पर इनका जो वो है इंटरसेक्शन है वो सेम है. इसमें है टू ओवर एंड टू अंडर और ये ऐसे दिखाई देती है बास्केट वीव. ओके, नेक्स्ट इज योर कैलिको. ये देखिए प्लेन वीव के कुछ वेरिएंट्स हैं. कैलिको, इट इज अ लो कॉस्ट फैब्रिक विच कम्स इन द डिफरेंट वेट. ये हम यूज करते हैं गारमेंट्स बनाने के लिए. और गिंगम, टू कलर ऑल्टरनेट इन वेफ्ट एंड वेफ, वाप एंड वेफ. Gingham has no right or wrong side. इसका कोई face side नहीं होता. Both sides are same. You can see the girl wearing a gingham fabric. Okay, this is taffeta. Taffeta is also one of the variation of plain weave. It is a crisp, smooth plain weave fabric made from silk and synthetic fiber. देखिए fiber कोई भी use किया जा सकता है. अब weave पे भी depend कर रहा है. Plain weave है और टाफ्टा हम बना रहे हैं. द वाप एंड वेफ्ट आर टाइटली सेट एंड ये देखिए थोड़ा सा शाइनी लुक प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज योर ट्विल वीव. अभी तक हम बात कर रहे थे वन अप वन डाउन. ट्विल वीव एक ऐसी वीव है जो हैवी गारमेंट्स बनाने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि आपके डेनिम्स. ये देखिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग, फर्म, स्टेबल एंड हैंड वियरिंग. इसमें आपके फैब्रिक्स आते हैं डेनिम, टार्टन एंड ट्वीट. ये आपकी ग्रीन एंड येलो में जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ ट्विल वीव, ठीक है. ट्विल वीव होती है 2 by 1, 3, 1 down, 2 up, 1 down. सिमिलर वे में वी कैन मेक लॉट मेनी ऑफ ट्विल्स 2 by 2. क्या होता है, ईच वाप और फिलिंग यान फ्लोट्स अक्रॉस टू और मोर फिलिंग यान्स, ठीक है. इसमें ये देखिए इंटरसेक्शन यहाँ पे हुई, उसके के फिर यहाँ इंटरसेक्शन हुई. तो ये जो है जहां पे इंटरसेक्शन नहीं हुई होती उसको हम बोलते हैं फ्लोट लेंथ. व्हाट वी कॉल इट, इट इज कॉल्ड फ्लोट लेंथ. जहां पे आपकी इंटरसेक्शन नहीं होगी, जहां आपका यान आपका अनइंटरलेस्ड है और पैरेलल लाई कर रहा है, उसको हम फ्लोट लेंथ बोलते हैं, जो आपको ट्विल वीव के केस में देखने को मिलती है. इस फ्लोट लेंथ के कारण ही ये देखिए डायगोनल को देखने को मिल रहे हैं. ट्विल वीव, ये सारी ट्विल वीव्स हैं जो मैंने साइड में बनाई हुई है. दीज आर दिस, ये देखिए ये डायगोनल लुक दे रही है. 3 by 2 आपको ऐसा लुक देगा, 2 by 2 ऐसा लुक देगा. तो दीज आर दी ट्विल वीव्स. ये भी सिंपल लूम पे बनाई जा सकती है, बट इसका टेक्निकल फेज और बैक साइड होता है. इसमें फ्यूअर इंटरलेसिंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टर, मोर प्लायबल, रिकवर्स बैक, सॉइल शोज लेस ऑन अनइवन सरफेस,
जो सॉइलिंग है इसमें कम होती है. ये देखिए ये ऐसे डायगोनल लाइंस आपको दिखाई दे डेनिम. आई हैव टेकन द पिक ऑफ डेनिम. ये देखिए अंडर टू बट स्ट्रैगलिंग बिगिनिंग थ्रेड टू फॉर्म अ लाइन. जो अल्टीमेट जब इसकी वीव बन जाती है तो ये डायगोनल लाइंस के फॉर्म में हमें अपीयर होती है. आप कोई भी डेनिम उठा के देख लीजिएगा, उसमें हमेशा जो वीव यूज करी जाती है that is twill weave. So this is twill weave. Twill weave produces fabric with diagonal line usually from bottom left to top right. और इसमें आपके आगे chino, denim, tweed and tartan. ठीक है, ये देखिए ये twill weave के fabrics हैं. chino cloth आ गया, then is your tweed जिसके हम आपके overcoat से आप बना रहे हैं, then is your, this is your houndstooth check. बनाने के लिए कई बार यूज किया जाता है. दिस इज हेरिंग बोन ट्वीट जो आपके ओवर कोट्स कोट्स को बनाने के लिए यूज करी जाती है. देन फॉर्मल कोट्स के लिए भी जो वीव यूज होती है दैट इज हेरिंग बोन ट्वीट. हैरीज ट्वीट एंड हेरिंग. दिस इज टार्टन फैब्रिक मेड ऑफ ट्विल वीव. इसमें भी ट्विल वीव होती है. तो ये आपके सिंगल पीसेस ब्रेसेस बनाने के काम आती है. नेक्स्ट इज साटिन वीव. हमने सुना है अगर कोई भी हमसे पूछे कि कौन सा कपड़े में शाइन होती है, एवरीबडीज आंसर इज साटन. सो साटन एक ऐसी वीव है, चाहे हम उसमें कॉटन का धागा भी यूज कर लें, वो उसमें भी उस वीव की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो उसमें भी शाइन ला देगा. जब फैब्रिक कॉटन से भी बना हो तो वो शाइनी अपीयर करेगा. आई विल डिस्कस इट व्हाई. दिस फैब्रिक हैज अ गुड लस्टर और शाइनी. द सरफेस इज स्मूथ. आपको पता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना शाइनी वो अपीयर करेगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ साटिन वीव में भी अप्लाई होता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्योंकि साटिन वीव ऐसी है जो आपको एक स्मूथ टेक्सचर, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है जो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. तो जिसके कारण इवन अगर कॉटन के फैब्रिक से भी वो फैब्रिक बना है, कॉटन फाइबर से भी बना है, वो आपको शाइन प्रोवाइड करेगा. The satin weave breaks well. However, it is not resistant to abrasion. आपको पता है साटिन के कपड़े यूजली हम हाथ से ही धोते हैं, मशीन में भी वॉश नहीं करते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं. तो टिपिकल फैब्रिक इसमें है डचेस साटिन एंड साटिन चार्मियोस. अब साटिन वीव के करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें फ्लोट लेंथ बहुत ज्यादा होती है. मैंने आपको ट्विल के केस में बताया था. ये देखिए यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, then is float length and again after इतना time के बाद एक intersection है. तो ये देखिए this float length is more. ये जितनी ज्यादा float length होगी उतना ज्यादा आपका fabric जो है वो smooth appear करेगा. तो satin क्यों smooth है, क्योंकि इसमें float length ज्यादा है. float length ज्यादा होने के कारण ये पूरी light को reflect कर देता है, ये shiny. इसको भी बूम में बनाया जा सकता है. दिस इज लस्टरस बिकॉज ऑफ लॉन्ग फ्लोट ऑन द सरफेस. अभी आपको बताया यार्न्स कैन बी पैक्ड वेरी क्लोजली एंड फेस एंड बैक लुक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. साटिन के अगर बैक साइड में वो सटीन वीव बन जाती है. साटिन जो होती है वो वाफ फेस्ड होती है, सटीन होती है वेफ्ट फेस्ड होती है. ठीक है, तो हाई काउंट गिव स्ट्रेंथ. अगर हम हाई काउंट का यार्न यूज कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी, फर्मनेस होगी. ठीक है, प्योर इंटरलेसिंग गिव्स प्लायबिलिटी एंड रिंकली रेजिस्टेंस. रिंकल ज्यादा नहीं होता, रेजिस्टेंस देता है, पर यार्न इसके अनरेवल हो जाते हैं क्योंकि फ्लोट लेंथ ज्यादा होती है. तो यार्न इजिली कई बार जो आपकी वीव से निकल जाते हैं. ठीक है, दीज आर साटिन. मैं आपको बता रही थी साटिन हमेशा वाफ फेस्ड होती है. ठीक है, क्रेप बैक साटिन गिव स्मूथ एंड रेपेबिलिटी. और अगर सटीन की बात करूं वो वेफ्ट फेस्ड होती है. दिस इज साटिन वीव. ये देखिए साटिन का फैब्रिक माइक्रोस्कोपिक व्यू में ऐसा दिखता है. अगेन ये देखिए फ्लोट लेंथ है, उसको ज्यादा जूम करके लिया गया है ताकि आपको दिखाई दे
कि ये देखिए यार्न्स की जो इंटरसेक्शन है बहुत बहुत कम है, और फ्लोट लेंथ है वो बहुत ज्यादा है. इस फ्लोट लेंथ की वजह से ये जो साटिन वीव है ये आपको शाइनी दिखता है. सो दीज आर दी साटिन फैब्रिक्स. अ साटिन वीव हैज अ वार्प फेस, दैट मींस वार्प थ्रेड सीम्स टू फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वेफ थ्रेड. ठीक है, जो वार्प थ्रेड है उनमें फ्लोट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेफ थ्रेड. अगर मैं सटीन की बात करूं उसमें वेफ थ्रेड ज्यादा फ्लोट करते हैं एज कम्पेयर टू वार्प थ्रेड. नाउ दिस इज डचेस सटीन. इट इज हेवीएस्ट ऑफ ऑल सटीन्स विद एन एलिगेंट लस्टर्स. ठीक है, जो भी आपके रेड कार्पेट पे आपके सेलिब्रिटीज डालते हैं दिस इज दी सटीन दे वियर. इट इज मेड फ्रॉम सिल्क, पॉलिस्टर और ब्लेंड ऑफ फाइबर. इट इज वेरी एक्सपेंसिव बट विस्कोस, अगर हम विस्कोस और पॉलिस्टर ब्लेंड यूज कर लें तो ये ड्यूरेबल हो जाता है. अब पाइल फैब्रिक, जो आप टॉवल्स यूज करते हैं वो कौन सी वीव होती है, उनको बोलते हैं पाइल वीव. ठीक है, दे ऐड टेक्सचर. लूप्स ऑन दी टेरी टॉवलिंग ऑफर गिव ग्रेटर सरफेस. तो उससे क्या होता है, उनके आपने देखा होगा आपके टॉवल्स के ऊपर ऐसे पाइल्स से खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो पाइल जो वीव है वो लूप्स को काटने से बनती है. ये देखिए ये लूप्स हैं, इन लूप्स को बाद में कट कर दिया जाता है, या तो कई बार अनकट रखी जाती है या कट कर दी जाती है. तो पाइल वीव में आपकी आ गई वेलवेट, टेरी टॉवलिंग एंड कॉर्डुरोय. अब मैं फैब्रिक्स आपको बता रही हूँ जो नॉर्मली हम यूज करते हैं. वॉयल, वॉयल एक फैब्रिक है जिसमें सॉफ्ट येट फर्म शियर फैब्रिक है, प्लेन वीव से बनाया जाता है, मेड अप ऑफ फॉर्म हार्ड ट्विस्टेड सिंगल, हैज अ क्लिंगिंग इफेक्ट. क्लिंगिंग का मतलब है आपके बॉडी के साथ वो क्लिंग. सो नेक्स्ट इज पॉपलिन. पॉपलिन एक टैबिनेट बोलते हैं, ये भी प्लेन वीव फैब्रिक है. इसमें सिल्क वाप होते हैं विद अ वेफ्ट ऑफ वर्स्टेड यार्न. ठीक है, और एज द वेफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टाउट कॉर्ड, एक रोप की तरह होता है. द फैब्रिक है रिग्ड सरफेस लाइक रैप, और इसको बनाने के लिए वूल, कॉटन, सिल्क, रेयन ये सब यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज मसलिन. एवरीबडी इज वेल फैमिलियर विद द मसलिन. तो मसलिन एक प्लेन वीव फैब्रिक है, कोर्सर है, और इसमें यूज करे जाता है कार्डेड कॉटन और पॉलिएस्टर कॉटन यार्न्स यूज करे जाते हैं. और मसलिन इज टिपिकली अनब्लीच्ड और वाइट क्लोथ, जिसको ब्लीचिंग नहीं करी जाती. नेक्स्ट इज योर जॉर्जेट. जॉर्जेट इज क्रेप, अनबैलेंस्ड, फिनिश, कैन बी सॉलिड डाइड और प्रिंटेड. नेक्स्ट इज गॉज. गॉज जो आपकी पट्टियां होती है जब आपको चोट लग जाती है, जो पट्टी लगाते हैं दैट इज गॉज. ये बनाई जाती है मेड अप ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क, रेयन और अदर मैन मेड फाइबर, और ये प्लेन वीव, लिनो वीव की बनी होती है. ओकेजनली नीटेड, कई बार इसको नीट भी किया जाता है, और इसको मोस्टली बुक बाइंडिंग, जो आपकी बुक बाइंडिंग होती है उस पर भी यूज किया जाता है. इसको मल के नाम से जाना जाता है, एंड इज यूज इन बाइंडिंग टू अडहियर द टेक्स्ट ब्लॉक टू द बुक कवर. नेक्स्ट इज योर साटिन. साटिन मैंने आपको बता दिया, जो साटिन वीव से फैब्रिक बनता है दैट इज योर साटिन. मैनमेड फिलामेंट फाइबर्स उसमें यूज कर सकते हैं, सिल्क भी यूज करा जाता है, हाईली लस्टरस होता है, वाप डोमिनेटेड होता है क्योंकि वाप साइड पे फ्लोट लेंथ ज्यादा होती है, और ये भी डिफरेंट वीड्स में अवेलेबल होता है. इसके यूज है नाइट गाउन्स, ब्लाउजेस, इवनिंग गाउन्स, इसमें ये यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज योर वेलवेट. वेलवेट इज टाइप ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया ये पाइल वीव के अंतर्गत आता है. This is a type of woven tufted fabric in which cut threads are evenly distributed with a short dense pile. अब आपको पता है जब हम वेलवेट का कोई गारमेंट बनाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कौन सी डायरेक्शन सही है, हमें सारे पार्ट्स एक ही डायरेक्शन से काटने पड़ते हैं, अदरवाइज उनमें रिफ्लेक्शन का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. सो दिस इज नीडेड. ठीक है, वेलवेट पाइल इज क्रिएटेड बाय वाप और वर्टिकल यार्न्स, एंड वेलवेटिन पाइल इज क्रिएटेड बाय वेब. वाप यार्न्स को कट किया जाता है, और अगर मैं वेलवेटीन की बात करूं तो वेफ्ट यार्न्स को लूप बना के उसकी कटिंग करी जाती है.
Next, this is your flannel. Flannel is your napped woven fabric. Twill में आता है, twill weave होती है इसमें, और flannel में भी brush to create extra softness and remain unbrushed. तो mostly इसको कई बार आपके winter wear में men's की shirts बनाने के काम में भी लाया जाता है. Then is drill. Drill ये एक twill weave fabric है जो men's के bottoms बनते हैं उसमें use किया जाता है. This is medium weight fabric. Usually इसमें तीन harness वापिस left handed twill है ये और carded yarn से बनाया जाता है. Now coming to terry towel, that is your pile fabric जो आपके towels में use होता है. It is इसको weaving और knitting से manufacture किया जाता है और इसको बनाने के लिए special loom use होती है, that is your dobby loom. अभी तक जितने loom पे easily बन रहे थे but इसके लिए डॉबी लूम. नेक्स्ट इज योर डेनिम. डेनिम इज लेफ्ट हैंड और वाइट फिलिंग यार्न. हमेशा इसमें जो वेफ्ट यार्न होता है वो वाइट कलर होता है और जो आपका वाप यार्न होता है वो इंडिगो कलर का डाइड होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर कॉर्डुरोय. Corduroy is ripped pile fabric with high luster. ये भी एक pile fabric है जिसमें luster होता है, soft feel होती है. ठीक है. Made with extra filling threads. इसमें कुछ extra filling threads डाले जाते हैं apart from the normal weaving. Then is your chiffon. Chiffon is fabric made from polyester with soft and crispy texture. इसमें high twist होता है और ये mostly plain weave ही होती है. नेक्स्ट इज योर कैम्ब्रिक. इट इज अ क्लोथ मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन यार्न जिसमें स्पेशल फिनिश दी जाती है. इसमें कुछ पोर्शंस को ब्लीच किया जाता है और उसको पीस डाई करा जाता है और ये फ्लैक्स से बनाया जाता था बट आजकल कॉटन यूज करी जाती है. कमिंग टू नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज योर निटिंग. निटिंग आपने देखा ही होगा. ये देखिए, ये वीविंग है जो अभी हमने डिस्कस किया जिसमें इंटरलेसमेंट होती है, वाप और वेफ्ट होते हैं. दिस इज योर निटिंग. ये हमेशा टू टाइप्स ऑफ यार्न से बनती है. ये भी इसको हम बोलेंगे कोर्स एंड टेल्स. वोवन यार्न. वोवन, अब डिफरेंस क्या है? वोवन फैब्रिक जो है वो रिजिड होता है, जो वाला निटेड फैब्रिक है वो आपका एक्सटेंसिबल होता है, उसको कितना मर्जी आप एक्सटेंड कर सकते हैं. वोवन फैब्रिक को टियर इजीली किया जाता है पर निटेड फैब्रिक को टियर नहीं करा जाता. वोवन फैब्रिक में रिंकल्स आ जाते हैं, क्रीजेस आ जाती हैं बट इसमें क्रीजेस आने का कोई चांस नहीं होता. ये थिनर होते हैं, दीज आर थिकर, दे आर स्टिफर, दीज निटेड फैब्रिक्स आर लिम. एयर परमेबिलिटी वोवन फैब्रिक में कम होती है बट निटेड फैब्रिक में ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम विंटर्स में डालते हैं ताकि वो एयर को ट्रैप कर ले और हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने दे. ठीक है. वोवन फैब्रिक स्ट्रॉन्गर होते हैं, निटेड फैब्रिक थोड़े से वीक होते हैं. एंड दीज आर व्हील्स. अब हमारा द विड्थ ऑफ फैब्रिक वो कैसे पता चलती है कि फैब्रिक जितने कोर्स हैं, जितने इनको हम बोलेंगे कोर्सेस, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी लूप्स जा रही हैं इनको हम कोर्सेस बोलेंगे. जितने कोर्सेस हैं वो विड्थ डिफाइन कर आपकी विड्थ कितनी है और जितनी वेल्स होंगी वो फैब्रिक की लेंथ डिफाइन करेंगी. ठीक है. ये देखिएगा, यूजुअली निटिंग, दिस इज द रेप्लिका इंडस्ट्रियल यूज. इसका फेस साइड इन्वर्टेड वी दिखाई देता है बल्कि बैक साइड में आपको यू दिखाई देगा. सो दिस इज द मेन नेटेड फैब्रिक जो सिंगल जर्सी होगा. नेटेड फैब्रिक दो तरह के होते हैं, वेफ नेटेड एंड वाप नेटेड. नीडल्स यूज करी जाती हैं, बियर्ड नीडल, लैच नीडल, कंपाउंड नीडल. बियर नीडल को ऑपरेट करने के लिए किसी चीज की, किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट की सहायता चाहिए होती थी, इसलिए इसको यूज करना बंद कर दिया है. वी आर मोस्ट रिलायबल ऑन लैच नीडल्स. ये निटिंग साइकिल है कि कैसे आपका धागा जाता है एंड हाउ दी नीडल्स वर्क इन दी निटिंग साइकिल.
ये दो तरह की निटिंग जो मैं बात कर रही हूँ, वेफ्ट निटिंग एंड वाप निटिंग, इसमें जो लूप्स हैं वो फॉर्म होती हैं अक्रॉस द विड्थ ऑफ फैब्रिक। निटिंग ऐसे करी जाती है, जो हम नॉर्मली घर में करते हैं वो आपकी वेफ्ट निटिंग होती है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू निट विद वन सर्कुलर निटिंग मशीन, बट जो वाप निटिंग है ये देखिए लेंथ वाइज डायरेक्शन में इसकी लूप्स बनती है इन डायगनल डायरेक्शन, एक लूप यहाँ बनी फिर यहाँ बनी फिर यहाँ बनी, तो ये डायगनली फॉर्म होता है। अब मैं वाप और वेफ्ट निटिंग के बीच की डिफरेंस की बात करूं, वाप निटिंग को भी आजकल काफी यूज में लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है, उसके कॉजेस ये हैं। वेफ्ट निटिंग स्टेबल और फिलामेंट यान से वर्क करती है, बट वाप निटिंग में मोस्टली हम फिलामेंट यान ही रन करते हैं। लैच नीडल ही इसमें यूज हो पाती है, वाप निटिंग में तीनों नीडल्स हम यूज कर सकते हैं। इसमें मशीन की वर्सटैलिटी कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें स्पीड रिड्यूस हो जाती है जब हम कोई डिजाइन चेंज करते हैं, बट इसमें स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आते, चाहे आप पैटर्न कोई सा भी बना लो। इसमें फैब्रिक की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रहती, इसमें फैब्रिक की क्वालिटी ज्यादा कंसिस्टेंट है। लूप्स आर नॉट यूनिफॉर्म इन वेफ्ट निटिंग, बट वाप निटिंग में लूप्स ज्यादा यूनिफॉर्म रहते हैं। इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी, जो वेफ्ट निटेड स्ट्रक्चर है उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो कम होती है, वाप निटिंग की ज्यादा होती है, और वाप निटेड कॉस्टली होता है प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये जो वाप निटिंग है उसको फर्दर इन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिंगल जर्सी, रिप फैब्रिक, इंटरलॉक एंड पर्ल। मैं आपको, दिस इज द सर्कुलर निटिंग मशीन जिसमें वेफ्ट निटिंग करी जाती है। दिस इज द वीडियो ऑफ हाउ निटिंग इज डन ऑन द सर्कुलर निटिंग मशीन। ये देखिए ये लैच नीडल्स हैं। I hope video is visible to everyone now. It's visible now. Okay. So even ki aap dekhega Ludhiana mein isko jo iski installment hai, that is easy. Aapko ek circular knitting machine chahiye and you can make lot many of fabric. This is how knitting is done on the circular knitting machine. ये देखिए जो मैंने आपको knitting cycle पीछे दिखाई थी, वही चीज follow हो रही है। Needles are going in particular manner. ये देखिए। और जो knitted fabric है, वो हमेशा tubular form में बनता है। Coming to the next. I hope everybody has understood. This is how knitting machines work. It is referred to as a feeder strike. This is the animated video to show you how this latch needle works on the hoops. जैसे घर में सिलाइयों से करते हैं, वैसे ही this latch needle works. वो धागे को लेके इंटरलूपिंग, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरलूपिंग। एक लूप में दूसरी लूप आपकी जारी है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरलूपिंग। सो दिस इज इंटरलूपिंग, ऐसे निटिंग करी जाती है। नेक्स्ट इज वाप निटिंग। वाप निटिंग की तीन मशीन्स होती हैं, ट्राइकोट, कंपाउंड। बस यू नीड टू नो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कई बार पूछा जाता है। इंटरलूपिंग, इंटरलूपिंग होता है एक लूप को दूसरे लूप के थ्रू पास ऑन करना। जैसे वेफ्ट में इंटरलेसमेंट होती थी, निटिंग में हमारी इंटरलूपिंग होती है। हम नई लूप को, नए धागे को पुरानी लूप के थ्रू पास करते हैं और वो लूप फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरलूपिंग। ओके, अब नेक्स्ट इज योर वाप निटिंग। वाप निटिंग में तीन है, ट्राइकोट, कंपाउंड नीडल एंड रेशल।
तो ये देखिए ये निटेड फैब्रिक के एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ निटेड फैब्रिक आपके शूज में आप देखेगा, शूज के टॉप में निटेड फैब्रिक यूज होता है, कार के इंटीरियर्स में निटेड फैब्रिक यूज होता है. निटेड फैब्रिक डिफरेंट टाइप्स का होता है, आई वुड बी डिस्कसिंग इन फर्दर. ये देखिए इवन विंड मिल्स के जो फैंस बनाने के लिए निटेड फैब्रिक यूज होता है, क्रिकेट का जो ग्राउंड बनाने के लिए निटेड टर्फ यूज होती है. तो एवरीवेयर ये देखिए कार के इंटीरियर सीट कवर्स में निटेड यूज हो रहा है. तो निटेड हैज गॉट मेनी यूजेस. अब निटेड के टाइप्स हैं, सिंगल जर्सी जो वेफ निटेड का सबसे बड़ा है, जैसे हम घर में बुनाई करते हैं उसको हम सिंगल जर्सी का कह सकते हैं. ये सर्कुलर निटिंग मशीन में आपने देखा होगा, तो मोस्टली मेन्स अंडरवियर दे आर मेड अप ऑफ सिंगल जर्सी ओनली. नेक्स्ट इज योर डबल जर्सी. दिस इज हाउ डबल जर्सी लुक्स. इसको रिब फैब्रिक भी कहा जाता है, 1x1 रिब, 2x2 रिब, इसको रिब का नाम भी दिया जाता है. नेक्स्ट इज योर पीक फैब्रिक, जो आपके स्पोर्ट शूज में आपको देखने को मिलता है ऑन दी टॉप. दिस इज पीक निटेड. इट इज अ जर्सी फैब्रिक मैन्युफैक्चर्ड बाय वाफ निटिंग टेक्निक से बनाया जाता है. देन इज स्लब जर्सी. ये टी शर्ट्स में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, इसको स्लब जर्सी कहते हैं. ये सिंगल जर्सी आपकी वेफ्ट निटिंग से ही बनाया जाता है, बस इसमें जो यार्न यूज करते हैं वो स्लब यार्न यूज करते हैं. स्लब का मतलब होता है कि आपका यार्न लेंथ में उसकी जो थिकनेस है वो अनइवन होती है, कहीं पे मोटा स्लब है, मोटा डायमीटर कहीं पे आ जाए उसको हम स्लब बोलते हैं. फिर उसको डाई करके फैब्रिक बनाया जाता है. दिस इज फ्लीस निटेड फैब्रिक. आजकल विंटर वियर्स में इसका ज्यादा यूज हो रहा है. इवन दी वेल नोन ब्रांड दैट इज डी कैथलोन, दैट इज मोर रिलायबल ऑन दिस फ्लीस निटेड फैब्रिक. इसमें क्या होता है, एक साइड को अपग्रेड कर दिया जाता है तो वो ऐसे फ्लीस की लुक देता है, ठीक है, फिनिशिंग ट्रीटमेंट से. दिस इज फ्रेंच टेरी, जो देखने में ऐसे दिखती है, 3 और 4 थ्रेड से बनाई जाती है और फ्लैट निटिंग मशीन में इसको बनाया जाता है. देन इज ग्रिंडल जर्सी. आपने देखा होगा जो वुमेन्स के टॉप्स आते हैं विंटर के, वो मोस्टली इस निटिंग से बनाए जाते हैं, जिसको ग्रिंडल जर्सी बोला जाता है. और 100% देखिए कॉटन यूज हो रहा है. निटिंग का मतलब ये नहीं है हमेशा ऊन के धागे यूज होंगे. देन इज यार्न राइट स्ट्रिप जर्सी, जिसमें यार्न को डाई करके उसके बाद उसकी निटिंग करी जाती है, जो आपको टी शर्ट्स में देखने को मिलती है. दिस इज वेफल नीट्स. वेफल नीट्स वेफ निटिंग. पीक हमने बात करी वाप निटिंग से बनता था, ये वेफल नीट्स हैं, ये वेफ निटिंग से बनाए जाते हैं, ठीक है. वेफल इज रिवर्सिबल वोवन नीट फैब्रिक विद अ रेज ज्योमेट्रिकल टेक्सचर. ये हनीकॉम वीव की तरह दिखाई देता है. देन इज वैल्यर निट. वैल्यर निट इज अ वेफ निटिंग टेक्निक. और ये जो इवन ये भी अगेन वुमेन की टी शर्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. ये सॉफ्ट टेक्सचर में होते हैं और इसमें हल्का सा लाइक्रा यूज किया जाता है, जो इसको स्ट्रेची लुक देता है. ये वाप निटिंग मशीन है. नेक्स्ट इज योर लास्ट वन इज योर नॉन वोवन फैब्रिक. अब अभी तक हमने बात करी हमेशा दो प्रोसेसेस थे, वीविंग और निटिंग, जिसमें यार्न पहले बनाया जाता था उसके बाद फैब्रिक बनाया जाता था. नॉन वोवन एक ऐसा फैब्रिक फॉर्मेशन प्रोसेस है जो डायरेक्टली फाइबर से बनता है. तो नॉन वोवन इज मैन्युफैक्चर्ड शीट और बैट बॉन्डेड बाय फ्रिक्शन. ओके, तो अगर ASTM इसको डिस्क्राइब करता है, इट इज अ टेक्सटाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरलॉकिंग बाय अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल केमिकल थर्मल और सॉल्वेंट मींस. आपको मैं दिखा देती हूँ. इसमें आप अगर कोई पूछे नॉन वोवन का बेसिक यूनिट, एवरी सब फैब्रिक्स का बेसिक यूनिट फाइबर ही है, पर नॉन वोवन एक ऐसा फैब्रिक है जो सिंपली आपके फाइबर से बन जाता है. फाइबर्स को अरेंज फॉर्म में रखना होता है और उसको अंडर प्रेशर और हीट एक वेब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इसमें बेसिक मटेरियल जो यूज होते हैं वो ओलिफिन्स, पॉलिस्टर, रेयन फाइबर यूज किया जाता है. केमिकल्स यूज किए जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, उनको जोड़ने के लिए, और ऑक्सिलरी एजेंट्स यूज किए जाते हैं जो उनको टेक्सचर या अदर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं. नॉन वोवन को बनाने के लिए पहले वेब फॉर्मेशन होती है, वो कार्डेड, एयर लेड, वेट लेड. फिर उसके बाद वेब फॉर्मेशन अगर हम फाइबर से कर रहे हैं
अगर हम पॉलीमर से कर रहे हैं, पॉलीमर से कब करेंगे, जब हमारा सिंथेटिक फाइबर होगा, तो हम पॉलीमर से करेंगे उसको स्पन बॉन्ड और मेल्टलॉन बॉन्ड ब्लोन बोला जाता है. देन इज बॉन्डिंग मेथड, किस तरह उसको जोड़ा जाता है, उसके डिफरेंट मेथड है, केमिकल, नीडल पंच, स्पन लेस्ड एंड थर्मल बॉन्ड. ये देखिए, फाइबर्स को पहले तोड़ा जाता है, बीएल के फॉर्म में फाइबर आपकी इंडस्ट्री पे आता है, उसको पहले अलग अलग किया जाता है, उसके बाद वेब फॉर्मेशन करी जाती है. आई विल शो यू द वीडियो बिकॉज टाइम इज रनिंग. वीडियो विजिबल है सबको? आर यू एबल टू सी द वीडियो? नहीं मैम, वीडियो विजिबल नहीं है मैम. नहीं सर. Your product will use some kind of fabric, and that fabric is going to need some special qualities if it's going to perform properly. Now it's visible? Yes ma'am, now it's visible. Okay, thank you sir. ये देखिए, ये नॉन वोवन फैब्रिक्स है, आपको इसमें यूजेस भी मिलेंगे. हाइजीन के लिए आप यूज करते हो, प्रोटेक्टिव अपैरल्स के लिए यूज करते हो, वाइपर्स के लिए इसको यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है. शॉक को इवन की आपने देखा होगा, एकॉस्टिक रूम्स होते हैं जिनमें साउंड बिल्कुल नहीं आती, तो साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए इसको यूज किया जाता है. आजकल मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन नॉन वोवन की हो रही है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अपैरल्स इसके यूज काफी ज्यादा है. ये देखिए, फाइबर्स को पहले अलग कर लिया जाता है, उसके बाद इसको सीरीज ऑफ मशीनरी रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है, जो इस पे प्रेशर और हीट अप्लाई करके थ्रू अ केमिकल एजेंट इसको बॉन्ड कर देता है. ये फाइबर्स जा रहे हैं. ये देखिए, बैगेजेस सब सब जगह आजकल नॉन वोवन का ज्यादा यूज है. रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी नॉन वोवन यूज करा जा रहा है. बेबी डायपर्स, इवन सैनिटरी नैपकिन्स में इसका यूज होता है. देन कार के सीट कवर्स, इंटीरियर्स में इसका यूज हो रहा है. Even your disposable glass, that is of your non-woven. Oil or other fluids. They can be made gossamer thin or extremely. ये देखिए, ये फाइबर है. फाइबर को अलग करके उसको वेब फॉर्म में, और ये देखिए थिकनेस इसकी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है. Non-wovens can be manufactured economically at 1,000 or more feet per minute. ये देखिए, they are so inexpensive. But they're cost effective as single functional textiles and almost home furnishing में इसका यूज है. ये वेटलेट है, पानी की हेल्प से वेब को जोड़ा जा रहा है, इसको हम वेटलेट बोलते हैं. दिस इज नीडल पंचिंग, जो नीडल्स की हेल्प से इसको मैकेनिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं और वेब आपसे जुड़ जाती है. दिस इज स्पन लेस, ये देखिए फाइबर आ रहा है और पानी के जेट से वो वेब में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज हाउ इट्स वर्क. मेल्ट ब्लोन, उसको मेल्ट करके ये जो पॉलीमर्स है इनको मेल्ट करके फिर वेब फॉर्मेशन करी जाती है. ये देखिए, फैब्रिक कितना फाइन और कितना पतला बन रहा है. Industrial non-woven so, non-woven has endless uses nowadays. Non-wovens to control weeds and conserve moisture. ये देखिए, agriculture में भी इसका use किया जा रहा है. Even कि इसको geotextiles में भी use करते हैं क्योंकि ये moisture absorb कर लेता है. Even कि for growing plants non-wovens का use किया जाता है. So, non-woven has many uses. इसको आजकल बहुत ज्यादा use किया जा रहा है. So I hope, because time was over, I hope you people have understood the basic procedures, how non-wovens are made, how knitted fabrics are made, how woven fabrics are made, because these three are important fabrics. Unless and until you have the knowledge how fabrics are being produced, you can not be a good fashion designer.
क्योंकि फैब्रिक की नॉलेज आर मोर नेसेसरी जब आपने किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए फैब्रिक बनाना है. यू नीड टू नो कि अगर मुझे इवनिंग गाउन बनाना है तो आई वुड बी यूजिंग साटिन. अगर मुझे एक्सरसाइज या एथलीट्स के लिए कुछ फैब्रिक बनाना है आई वुड बी मोर गोइंग टूवर्ड्स द निटेड फैब्रिक. अब जैसे कोरोना वायरस का टाइम है तो मास्क बनाना है. N95 किससे बन रहा है? मोस्टली नॉन वोवन यूज कर रहे हैं हम. तो दिस इज हाउ द नॉलेज ऑफ फैब्रिक वुड बी बेनिफिशियल टू यू. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. ओके, any queries if you people have you can ask me. You have not understood Parinita ma'am and Mishti, you people have not understood. I would be taking this session again because today I was having less time due to net interruption. I would be taking again if you people want. But the basic thing is you have understood the basic concept behind what are the different fabrics types. That is only I wanted to tell you. Okay, I would be taking this session again. Don't worry. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.